हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ BHDE 106 का सोल्व असाइनमेंट। जी हाँ दोस्तों, फ्रेंड्स जुलाई 2019 और जनवरी 2020 के लिए ये असाइनमेंट वैलिड है। आप असाइनमेंट सबमिट करने की लास्ट डेट देख सकते हैं। जुलाई सेशन के लिए 30 मार्च है और जनवरी 2020 सेशन के लिए 30 सितंबर है। तो दोस्तों, आप अपने असाइनमेंट टाइम पे सबमिट करा दीजिए। आपको एग्ज़ाम से पहले अपने असाइनमेंट सबमिट कराना अनिवार्य है। यहाँ पर इग्नू की तरफ से कुछ निर्देश दिए गए हैं, आप चाहें तो इन्हें पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद में यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर में टोटल 9 क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सभी प्रश्नों के लिए अलग अलग निर्देश दिए गए हैं। अभी आपके सामने इसकी उत्तर पुस्तिका है। जैसा कि आपने देखा, प्रथम भाग में टोटल 4 प्रश्न हैं। उन चारों प्रश्न का उत्तर मैंने लिखने की कोशिश की है फ्रेंड्स। आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम की है तो इस वीडियो से आप अपने असाइनमेंट कॉपी भी कर सकते हैं। इसी वीडियो को देखकर आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। आप ये सोल्व असाइनमेंट मुझसे खरीद भी सकते हैं दोस्तों। खरीदने के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना होगा। कांटेक्ट करने के बाद आपको पेमेंट करना होगा। आपको इसका PDF व्हाट्सएप पे भेज देंगे फ्रेंड्स। इसी तरह की इसी हैंडराइटिंग में आप चाहें तो हैंड रिटन असाइनमेंट भी मुझसे परचेज कर सकते हैं दोस्तों। हैंड रिटन असाइनमेंट के लिए भी आपको अलग से चार्ज देना होगा और वो हैंड रिटन असाइनमेंट जल्दी ही आपके एड्रेस पे कोरियर कर दी जाएगी। तो दोस्तों, अभी बात करते हैं क्वेश्चन की। तो अभी आपने देखा कि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको दिए गए हैं दोस्तों। यहाँ पर सभी भागों में प्रश्नों को विभाजित किया गया है। प्रथम भाग में टोटल 4 प्रश्न दिए हैं, चारों के उत्तर लिखने हैं। इसी तरीके से भाग 2 में टोटल 3 प्रश्न दिए गए हैं। आपको 3 प्रश्न के उत्तर लिखने होंगे। यहाँ पर जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, आप उनके हिसाब से ही अपने उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स। आप अपने असाइनमेंट के लिए प्रैक्टिकल शीट का यूज कर सकते हैं या आप चाहें तो A4 साइज शीट का भी यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। अपने असाइनमेंट लिखते टाइम आपको रेड पेन और ग्रीन पेन का बिल्कुल भी यूज नहीं करें। आप यहां पर ब्लैक पेन और ब्लू पेन का यूज कर सकते हैं अपने क्वेश्चन लिखने के लिए, या कहीं पर हेडिंग लिखने के लिए आप ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं दोस्तों। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरीके के सोल्व असाइनमेंट और इग्नू के हर इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आप उस वीडियो को देख सकें। तो अभी बात करते हैं भाग ग के बारे में। आपको यहां पर सभी प्रश्नों के उत्तर लिखे गए हैं। आप चाहें तो यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं या पढ़कर खुद की लैंग्वेज में भी बना सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताए हैं, जिन भी स्टूडेंट ने जुलाई 2019 में अपना एडमिशन लिया है या अपना री रजिस्ट्रेशन कराया है, उनके एग्जाम जून 2020 कंडक्ट किए जाएंगे। सो आप अपने असाइनमेंट एग्जाम से पहले 30 मार्च तक अपने स्टडी सेंटर में जमा करा दें। ऐसे ही दोस्तों, जिन स्टूडेंट ने जनवरी 2020 में अपने एडमिशन लिया है या री रजिस्ट्रेशन कराया है, उन सभी स्टूडेंट के असाइनमेंट भी 30 मार्च से पहले जमा कराना अनिवार्य है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में भी एक नोट लिखा गया है, आपको अपने असाइनमेंट एग्जाम से पहले सबमिट कराना चाहिए, अन्यथा आपको एग्जाम में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर गलती से आप अपने असाइनमेंट जमा नहीं करा पाते हैं तभी अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप करके एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन वहां पर चांसेज है अगर आप पकड़े गए तो आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया जाएगा।
फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सो डैट जो भी स्टूडेंट अपने असाइनमेंट बनाना चाहते हैं वह यहाँ से कॉपी कर सकते हैं या फिर असाइनमेंट के PDF मुझसे परचेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा ये असाइनमेंट थोड़ा सा लेंदी है, यहाँ पर टोटल 32 पेजेज हैं, तो आप यहाँ से पढ़कर खुद से लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसकी इन्फॉर्मेशन, वीडियो और सॉल्व असाइनमेंट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस दिस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट एजुकेशनल टिप्स। थैंक्स फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग स्टडी जोन।